अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीन इट्स। हमारी आज की वीडियो में हम बनाएंगे जो बेबी सेट बना रही हूँ उसके साथ मैचिंग कैप। टेपेस्ट्री निडल चाहिए आपको, आपको कैंची चाहिए और आपको सर्कुलर निडल चाहिए। अगर नहीं है तो आप डबल पॉइंटेड निडल भी यूज़ कर सकते हैं, 5 नंबर वाली 5 mm। ठीक है, सबसे पहले हम बॉर्डर के लिए, क्योंकि ये मैचिंग बना रही हूँ मैं तो सेम उसी कलर में है, बॉर्डर बनाएंगे वाइट कलर का। 64 स्टिचेस हमने कास्ट ऑन कर लेने हैं, फंदे 64 फंदे हमने सिलाई पे कास्ट ऑन कर लेने हैं। अगर आपने टेक्निक देखनी है कि डबल पॉइंटेड निडल्स पे किस तरह हम कास्ट ऑन करते हैं तो वो आपको मेरे चैनल पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि हम डबल पॉइंटेड निडल पे कास्ट ऑन किस तरह करते हैं कैप के लिए या सॉक्स के लिए। तो हम यहाँ पे लूजली कास्ट ऑन कर लेंगे 64 स्टिचेस फंदे, और कास्ट ऑन की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आपको नहीं आता तो। यहाँ पे मैंने कास्ट ऑन कर लिए हैं सारे फंदे स्टिचेस सिलाई पे। सर्कुलर निडल है, आप डबल पॉइंटेड भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको लॉन्ग टेल कास्ट ऑन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये राउंड में होता है। स्ट्रेट निडल पे अगर आप बुन रहे हैं तो आप छोड़ सकते हैं क्योंकि फिर आपको साइड सीने में काम आता है, बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है, आप इसको वेव इन बाद में कर लीजिएगा। अब ये चीज़ प्लीज़ गौर से देखिए, बिगिनर्स हैं तो हम फंदों को यूं कर लेंगे, स्ट्रेच। अब ये राइट साइड है, ये आप देख सकते हैं कास्ट ऑन की, और ये यहाँ पे है धागे जो है। ओके, अब हम रो वन राउंड वन सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। बॉर्डर में बूटीज़ के साथ मैच बना रही हूँ तो इसका जो बॉर्डर होगा कैप का वो भी मैं बूटीज़ के कफ की तरह बनाऊंगी, तो वो मैं स्टॉकनेट स्टिच में बुनेंगी। राउंड निडल्स पे जब आप स्टॉकनेट स्टिच बुनते हैं तो आप दोनों दोनों सिलाइयाँ सीधी बुनते हैं, मतलब कि जब हम स्ट्रेट निडल पे स्टॉकनेट स्टिच बुनते हैं तो एक सिलाई सीधी और एक रिटर्न उल्टी बुनते हैं ना, जब राउंड में हम बुनेंगे तो हमने सारे राउंड सीधे बुनने हैं। और जब हम गार्टर स्टिच राउंड निडल पे बुनते हैं तो एक सिलाई सीधी एक उल्टी बुनते हैं। पहली सिलाई आपको ये प्रॉब्लम होगी क्योंकि धागे खींच रहे हैं स्टिचेस, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मार्कर इस वो डाल लें, स्टिच मार्कर, जिनके पास, जो बिगनर्स हैं जिनको ना समझ में है। अब जैसे कि मैं हूँ, मैं अब स्टिच मार्कर के बगैर ही केप बना लेती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि ये इसका यहाँ पे राउंड कंप्लीट हो रहा है। बट आपको प्रॉब्लम ना हो आप इसलिए जो है मैं आपके लिए स्टिच मार्कर डाल लेती हूँ। स्टिच मार्कर सिर्फ बिगिनर्स के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, स्टिच मार्कर डाला। आपके पास अगर प्लास्टिक का या कोई और नहीं है तो आप धागा यूज कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील कि अब मेरे पास नहीं है स्टिच मार्कर तो मैं क्या करूं। नाउ राउंड वन निट ऑल स्टिचेस। यहाँ पे मैंने राउंड वन कंप्लीट कर लिया है, सारे फंदे सीधे बुने हैं, निट ऑल स्टिचेस। अब यही एक राउंड हमने रिपीट करना है जितना बड़ा आपको बॉर्डर चाहिए कैप का। ये न्यू बॉर्न से लेकर है कैप, आप फॉर एग्जांपल ज़्यादा भी बच्चा यूज़ कर सकता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हेल्थ के हिसाब से किसी का सर छोटा होता है किसी का बड़ा होता है तो कितने महीने भी पहन सकता है। रो टू मैं बिगनर्स के लिए थोड़ी सी समझा दूँ, सारे फंदे सीधे फिर से स्टिच मार्कर को इधर स्लिप करेंगे, ये धागा थोड़ा सा खींच लीजिएगा, ये एंड में भी खींच सकते हैं कास्ट ऑन वाला। और अब यही सिलाइयाँ रिपीट करनी है जितना बड़ा आपको बॉर्डर चाहिएगा। मैं जितनी सिलाइयाँ बनूंगी मैं वो डिस्क्रिप्शन में इंस्ट्रक्शंस में लिख दूंगी ऊपर इंस्ट्रक्शंस में वीडियो में। तो हम पहले बॉर्डर अब बुन लेंगे राउंड में। यहाँ पे मैंने बॉर्डर बुन के कंप्लीट कर लिया है। रोज जो हैं हमारे पास वो हैं 1 2 3 4 5 6
छह सिलाइयां हैं, बट आप चाहें तो अपनी मर्जी से ज़्यादा बड़ा बॉर्डर भी बना सकते हैं। ठीक है, नाप के मैं थोड़ा सा दिखा दूँ आपको कि लेंथ क्या है इसकी। तो 1 इंच तक इसकी लेंथ है। अब चाहें तो आप 2 इंच का बना लें, 3 इंच का बना लें, वो आप पे डिपेंड करता है। धागा अब ये वाला हम काट लेंगे क्योंकि इसकी अब ज़रूरत नहीं है हमें। अब लेंगे ये वाला कलर। मैं पहले इसे थोड़ा सा ख़त्म कर दूं जो आपके पास है एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं सेट बना रही हूं तो ये एक धागा मैं कब से यूज़ कर रही हूं। अब आपने क्या करना है कि ऐड करना है दूसरा धागा, रो 7, सातवीं सिलाई है ये, बट वही हम बुनेंगे पहली और दूसरी सिलाई की तरह, पहली सिलाई की तरह नेट ऑल स्टिचेस। सही, 7th रो सेम एज रो 1, 7th राउंड कह लें, रो कह लें, सिलाई कह लें, राउंड है ये इसलिए हम इसे राउंड कह रहे हैं, गोल में है इसलिए। अब इसे हम इस कलर से पहली सिलाई रिपीट करते जाएंगे जब तक हमें कैप की लेंथ ना मिल जाए, उसके बाद हम शेप देंगे, कैप को डिक्रीजेस करेंगे। तो आप भी बुन लें, मैं भी बुन लेती हूँ, जितनी आपको आपकी मेजरमेंट के हिसाब से चाहिए लेंथ कैप की, उसके बाद हम डिक्रीजेस करेंगे। मैं इंस्ट्रक्शंस में लिख दूंगी कि हमने कितनी सिलाइयाँ बुनी हैं एंड मैं नाप के भी दिखाऊंगी। कीप रिपीटिंग रो 1 विथ ब्लू कलर गोल में। यहाँ पे हमारी लास्ट रो कंप्लीट हो रही है। इसके बाद मैं आपको भी नाप के दिखाऊंगी कि हमें क्या इसकी लेंथ मिली है। यहाँ ये जो ब्लू वाला पार्ट है वहाँ से हम इसको नापेंगे। 4 इंचेस तक जो है इसकी लेंथ है, ठीक है, लंबाई है। अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप किसी बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप उसको ज़्यादा बुन लें फिर डिक्रीजेस कर लें, ठीक है। इस तरह से चेंजिंग हो सकती है, अगर आप पूछेंगे कि बड़े बच्चे के लिए बनाना है तो वो इस तरह से आप चेंजिंग कर सकते हैं उसमें कि आप थोड़ा बड़ा बुन के, लंबा बुन के और फिर डिक्रीजेस करें। अब विड्थ इसकी देखते हैं, सात इंचेस तक इसकी विड्थ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिक्रीजेस शुरू करेंगे। डिक्रीजेस के लिए यहाँ से हम रो 1 काउंट करेंगे, पहली सिलाई काउंट करेंगे फॉर डिक्रीजिंग शेपिंग पार्ट, जो हम शेप दे रहे हैं, ठीक है। निट रो 1 राउंड 1 पहली सिलाई, राउंड 1 पहली सिलाई, निट 6 स्टिचेस, 6 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। दो चार छः, 1 2 3 4 5 6, अब निट 2 टुगेदर। इसी तरह हम निट 6 एंड निट 2 टुगेदर करते जाएंगे। 6 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे और फिर 2 फंदों का एक करेंगे। सिक्स, 2, ठीक है। इसी तरह रिपीट करते जाएं, 6 फंदे बुन के फिर निट 2 टुगेदर, 6 फंदे बुन के फिर निट 2 टुगेदर, निट 6 निट 2 टुगेदर करके आपने यहाँ तक बुन लेना है, ठीक है। राउंड 1 पहली सिलाई। दूसरी बात ये कि आपको डबल पॉइंट नीडल्स चाहिए होंगी, जब आपको लगे कि अब फंदे थोड़े हो गए हैं और आपको प्रॉब्लम हो रही है बुनने में, तो आप चेंज कर लें डबल पॉइंटेड नीडल्स पे। यहाँ पे हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो रहा है। ये जो फंदा है हमने नेट 2 टुगेदर किया, उसके बाद 2 4 6 6 स्टिचेस और उसके बाद नेट 2 टुगेदर, ठीक है।
दो फंदे साथ में बुने। अब फिर से हमने जो सेकंड राउंड है डिक्रीजिंग का, शेपिंग का, दूसरी सिलाई, दूसरा राउंड, वो सारे फंदे आपने सीधे बुन लेने हैं, कोई डिक्रीज नहीं, ठीक है। निट ऑल स्टिचेस राउंड टू। सेकंड राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, दूसरा राउंड स्लिप करेंगे स्टिच मार्कर। अब थर्ड रो, तीसरा राउंड, निट फाइव, निट टू टुगेदर, पांच फंदे जो हैं हम सीधे बुनेंगे और फिर दो फंदे साथ में बुनेंगे। दो चार पांच, 1 2 3 4 5, निट टू टुगेदर। ठीक है, अगेन फिर से 1 2 3 4 5, निट टू टुगेदर। फिर से 1 2 3 4 5, निट टू टुगेदर। अब इसी तरह आपने ये पूरी तीसरी सिलाई, तीसरा राउंड, थर्ड राउंड आपने इसी तरह बुन लेना है। निट फाइव, निट टू टुगेदर, निट फाइव, निट टू टुगेदर, पांच फंदे सीधे, फिर दो फंदे साथ में बुन लेंगे। थर्ड राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, पांच फंदे सीधे बुने और फिर निट टू टुगेदर। राउंड थर्ड, तीसरा राउंड, तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब फोर्थ राउंड, निट ऑल स्टिचेस। चौथा राउंड, चौथी सिलाई, निट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे सीधे बुन लेंगे, निट ऑल स्टिचेस। यहाँ पे हमने फोर्थ रो कंप्लीट कर ली है। अब फंदे आप देख रहे होंगे कि करीब आ गए हैं, प्रॉब्लम हो सकती है बनने में, इसीलिए अब हम पांचवी सिलाई, पांचवा राउंड, फंदे डबल पॉइंटेड नीडल्स पे डालते जाएंगे। आपके पास डबल पॉइंटेड नीडल्स नहीं है तो आप मैजिक लूप यूज़ कर सकते हैं। मैजिक लूप की वीडियो मेरी डिस्क्रिप्शन में या मेरी वीडियोस में मिल जाएगी, या आप लिख सकते हैं कि मैजिक लूप टेक्निक बाय क्लिक निट्स। अब फिफ्थ रो, फिफ्थ राउंड, पांचवी सिलाई, निट फोर स्टिचेस, चार फंदे सीधे बुनेंगे, निट टू टुगेदर, दो फंदे साथ बुनेंगे। निट फोर, निट टू टुगेदर, चार फंदे सीधे बुने और चार फंदे, दो फंदे साथ में बुने। फिर से निट फोर, चार फंदे सीधे बुनेंगे और दो साथ में, निट टू टुगेदर। फिर से इसी तरह रिपीट करते जाएंगे राउंड में, बट यहाँ पे मैं आपको डबल पॉइंटेड नीडल्स पे ट्रांसफ़र करना बता रही हूँ, इसीलिए ये मैं पूरी रो आपको बुन के दिखाऊंगी ताकि बिगिनर्स को प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से आपने थोड़ा सा खींचना है ताकि गैप ना आए बीच में। 1 2 3, वर्किंग निडल आपने ऊपर रखनी है। आप मेरी वीडियो जो मैंने सिखाई हुई है कि हाउ टू वर्क ऑन डबल पॉइंटेड निडल्स कैप के लिए या सॉक्स के लिए, वो देखिएगा, मैंने उसमें बहुत सारी डिटेल्स बताई हैं कि डबल पॉइंटेड निडल के साथ किस तरह काम करते हैं, आपकी हेल्प हो जाएगी।
दो सात, आप इस तरफ से फंदे करीब करते जाएंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आपने रैंडमली फंदे डाल लेने हैं, काउंटिंग की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ से थोड़े से फंदे आप इधर भी डाल सकते हैं। अब हम नीट टू टुगेदर, ठीक है। अब फिर से नीट फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, नीट टू टुगेदर, ठीक है। अब आप ये निडल साइड पे रख लें और स्टिच मार्कर यहाँ पे डाल लें बिगनर्स के लिए ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। वर्किंग नीडल्स ऊपर करनी है आपने। और अब सिक्स्थ रो, पांचवी सिलाई कंप्लीट हो गई है। सिक्स्थ राउंड, छठा राउंड, नेट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे आपने सीधे बुनने हैं और यहाँ से थोड़ा सा खींचना है ताकि गैप अवॉइड हो जाए। अगर आप ये केप बना ही डबल पॉइंट निडल पे रहे हैं, डीपीएनस जिसे कहते हैं, तो ये चीज़ आपने दिमाग में रखनी है कि यहाँ से आपने थोड़ा सा खींचना है, थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा, ताकि गैप ना बने यहाँ पे। तो हम सारे फंदे सीधे बुन लेंगे छठी सिलाई, सिक्स्थ राउंड। सिक्स्थ राउंड, छठा राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। स्टिच मार्कर इधर डाल लेंगे, रिमूव नहीं करेंगे, मूव करेंगे। रिमूव आप तब कर सकते हैं जब आपको पता चल जाए, आपको प्रॉब्लम ना हो कि कहाँ से है राउंड शुरू हो रहा। अब सातवां राउंड, नेट थ्री, तीन फंदे सीधे बुनेंगे और ये यहाँ से गिर सकता है, तो आप चाहें तो ये इधर भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। स्टिच मार्कर है ना आपके पास, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ये वाला फंदा इधर मूव कर लें, ताकि आपको ये स्टिच मार्कर ना गिरे और बिगनर को प्रॉब्लम ना हो कि हमारा तो स्टिच मार्कर गिर गया, अब हमें समझ में नहीं आ रहा हमने कहाँ से शुरू किया था। तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब तीन फंदे हमने बुनने हैं सीधे, एक ये बुना, दो ये, नेट थ्री, नाउ नेट टू टुगेदर, नेट थ्री, नेट टू टुगेदर, नेट थ्री, नेट टू टुगेदर। इसी तरह हमने सातवीं सिलाई राउंड में बुन लेनी है, नेट थ्री नेट टू टुगेदर करके, तीन फंदे सीधे और दो साथ में। सेवन्थ राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। नेट थ्री नेट टू टुगेदर। अब स्टिच मार्कर को इधर मूव करेंगे और एट्थ रो, नेट ऑल स्टिचेस, एट्थ राउंड, एट्थ राउंड, आठवां राउंड या आठवीं सिलाई कह लें, आपने सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं राउंड में, नेट ऑल स्टिचेस। यहाँ पे एट्थ राउंड कंप्लीट हो गया है, आप मार्कर इधर मूव करेंगे और जो नाइन्थ रो है वहाँ पे अब आपने दो फंदे सीधे और दो साथ बुनने हैं। एक फंदा ये बुना, नाइन्थ राउंड हमारा,
वन टू, एक ये वाला फंदा सीधा बुना, एक ये वाला, अब नेट टू टुगेदर, नाइन्थ राउंड नेट टू टुगेदर अराउंड, चारों तरफ राउंड में आपने अब इसी तरह बुन लेना है, दो फंदे सीधे दो साथ में, नेट टू टुगेदर अराउंड, नाइन्थ रो, नाइन्थ राउंड कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, टेन, दसवीं सिलाई राउंड बोल लें, अब सारे फंदे सीधे, नेट ऑल स्टिचेस, राउंड टेन, नेट ऑल स्टिचेस, दसवां राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, अब ग्यारहवां, इलेवेंथ राउंड नेट वन ये हम इसलिए इसके साथ बुन रहे हैं ताकि ये गिरे ना, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है, नेट वन इलेवेंथ राउंड ग्यारहवीं सिलाई नेट वन नेट टू टुगेदर, और यही अब रिपीट करते जाना है आपने, ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि फंदे गिरे ना, क्योंकि ये डबल पॉइंटेड निडल्स होती हैं, नेट वन नेट टू टुगेदर, नेट वन नेट टू टुगेदर, ये इसी तरह आपने बुन लेना है राउंड में, एक सीधा फंदा दो फंदे साथ में, इलेवेंथ राउंड कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, एक सीधा फंदा बुना और दो फंदे साथ में, अब मार्कर इधर मूव करेंगे और निट ऑल स्टिचेस, ट्वेल्थ रो, बारहवीं सिलाई बारहवा राउंड, राउंड ट्वेल्व, निट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे सीधे बुन लेंगे, ठीक है, निट ऑल स्टिचेस, ट्वेल्थ राउंड कंप्लीट हो गया है, थर्टीन राउंड निट टू टुगेदर, चारों तरफ हम इसी तरह बुन लेंगे, आप चाहें तो आप इसे यहाँ पे रहने दें, चाहें तो उतार दें, बट अगर बिगिनर्स हैं तो मैं एडवाइस करूँगी ना उतारें, आपको प्रॉब्लम होगी बुनने में। अब हमने इन दो फंदों को पहले साथ बुनना है, सॉरी नेट टू टुगेदर, ट्वेल्व थर्टीन थ्रो तेरहवीं सिलाई सब फंदे हम साथ बुनेंगे, दो का एक करेंगे, दो फंदों का नेट टू टुगेदर अराउंड, हमने इस तरफ इसलिए ट्रांसफर किया ऐसे ताकि मार्कर ना गिरे, अगर मार्कर गिर जाए तो मैंने आपको बताया हुआ है पिछली केप वीडियोस में कि ये यहाँ से आप फिर देख सकते हैं कि कौन सी रो है, कौन सा स्टिच है, जहाँ से हम निट टू टुगेदर करके चारों तरफ बुन लेंगे। अब यहाँ पे हमने तेरहवीं सिलाई कंप्लीट कर ली है, निट टू टुगेदर अराउंड, सारे फंदे दो दो करके साथ बुन लिए हैं, अब यहाँ पे हमने मार्कर निकाल लेना है, यहाँ पे स्टिच मार्कर जो आपका है, और धागा हम काट लेंगे उतना जितना हम वेव इन करेंगे, धागा आपने निडल में डाल लेना है, टेपेस्ट्री निडल, और अब एक एक करके सारे फंदे हम ट्रांसफर करते जाएंगे
टेपेस्ट्री निडल पे। अब यहाँ पे हमने धागा जो बचे हुए फंदे थे उनमें से गुजार दिया है एक दफा, और हम यहाँ से धागा इसमें फंसाएंगे ताकि टाइटली बंद हो, सिक्योर हो आपकी केप। ठीक है, अब इसे आपने रॉन्ग साइड अंदर की तरफ खींच लेना है। ये आता है शेप आपकी जो है लुक कैप का। बहुत सारे तरीके हैं केप्स बनाने के, बहुत सारे। मैंने और भी केप्स बनाना सिखाई हुई हैं, अगर आपने दूसरे तरीके की केप्स बनाना सीखना है तो वो मेरे वीडियोस में आपको मिल जाएगी। डिक्रीजिंग के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अब धागे को अच्छे से सिक्योर करके वेविन करना है ताकि ये खुले ना, क्योंकि बच्चा पहनता है या बड़ा पहनता है तो केप स्ट्रेच होती है। वैसे न्यूबॉर्न के लिए तो स्ट्रेच नहीं होगी क्योंकि मैंने बड़ी बनाई है उससे, और वैसे भी न्यूबॉर्न के लिए कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हो तो थोड़ी सी बड़ी बनाएं, ताकि क्योंकि वो बच्चा जो होता है छोटा वो बहुत जल्दी बढ़ता है और थोड़ा सा ज़्यादा पहन सके, क्योंकि इतनी मेहनत से आप एक चीज़ बना रहे हैं। अब अच्छे से वेविन कर लें, जिस तरह भी वेविन आपको आता है आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इस तरह करें। और मैंने टेक्निक, निटिंग टेक्निक प्लेलिस्ट होगी उसमें निटिंग टेक्निक सिखाई हुई हैं, उसमें मैंने बताया भी हुआ है कि आप वेविन कैसे कर सकते हैं गार्टर स्टिच पे, स्टॉकनेट स्टिच पे, वो आप वीडियोस वहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में अगर बिगनर हैं और आप देखना चाह रहे हैं तो। अच्छे से इसे वेविन कर दें आप, बहुत अच्छे से, ताकि ये खुले ना। ओके, और अब हम मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, आपने प्लीज़ गौर से देखनी है। ये केप हो जाती है फोल्ड इस तरह से, ये इसकी राइट साइड है ना, तो ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगी क्योंकि मैंने इसकी डिज़ाइन इस तरह से रखी है। ठीक है, तो आपने जो ये वाइट वाला धागा है वो रॉन्ग साइड से नहीं राइट साइड से वेविन करना है ताकि यहाँ से बुरा ना लगे। अब ये है ना, हमने कास्ट ऑन किया था यहाँ पे, कास्ट ऑन किया था यहाँ पे, अब यहाँ से हमने वेविन करना है राइट साइड से ताकि जब ये राउंड हो तो दिखे ना। बहुत सारे तरीके हैं इसको वेविन करने के भी जी, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैं तो डुप्लीकेट स्टिच से कर रही हूँ जस्ट फॉर फन, कोई रूल नहीं है ऐसा भी, बट डुप्लीकेट स्टिच मैं इसलिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ताकि फिर क्यूट लगता है, आपको दिखेगा नहीं कि आपने यहाँ पे वेविन करा हुआ है। दो तीन लाइन्स पे आप ना कर दें, डुप्लीकेट स्टिच बना दें। सॉरी, ये धागा आपने ख्याल रखना है कि ये दोनों धागे इसमें ना अटकें, ये आपने अलग से करने हैं। तो मैं अब इनको वेविन कर देती हूँ, ये बात आप समझ लें कि मैंने राइट साइड से वेविन किया है, रॉन्ग साइड से नहीं। जस्ट सिर्फ व्हाइट वाला पार्ट, जो ये ब्लू पार्ट है वो आपने यहाँ पे वेविन करना है,
वो आपने राइट साइड से नहीं वेविन करना, ना ही यहाँ पे वेविन करना। ये थोड़ी सी फिनिशिंग टिप्स होती हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, आप इन्हें प्लीज़ देखें और अच्छे से जो है बनाएं जो भी आप बनाना चाह रहे हैं। अब बो मैं यहाँ पे लगाऊंगी क्योंकि मैंने जो ये बेबी सेट डिज़ाइन किया है उस पे मैंने स्वेटर पे बो लगाया हुआ है, तो इसलिए मैं बो लगाऊंगी यहाँ पे। अगर आप ना भी लगाना चाहें तो ये ऑप्शनल है आपके लिए। दूसरी बात, इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में होगी कि आप बो किस तरह बना सकते हैं, गार्टर स्टिच बो वीडियोस में आपको मिल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर नहीं तो आप वीडियोस में जाके देख लें। यहाँ पे लगाना चाहें, यहाँ पे लगाना चाहें, यहाँ पे लगाना चाहें, आप यहाँ पे लगाना चाहें, आपकी मर्जी है, बस आपने सी लेना है। मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है क्यूट साइड पे, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी। मैं जो भी चीज़ डिज़ाइन करती हूँ मैं कहती हूँ ज़्यादा क्राउडेड ना हो, थोपे ना उस पर कुछ हम, तो इसीलिए मैं यहाँ पे पम पम नहीं लगा रही क्योंकि फिर बो लगाया है और थोड़ा सा डिफरेंट बनाना चाह रही थी, क्योंकि मैंने पम पम अपनी लास्ट वीडियो में भी जो मैंने कैप्स बनाना सिखाई उस पर लगाया है, तो थोड़ा सा ये डिफरेंट हो जाता है, यूनिक लुक। चेंज करते रहना चाहिए, पम पम अच्छा लगता है, नो डाउट। जिस तरह भी आपको आता है आप लगा लें, सी दें वो, सॉरी। पम पम भी अगर लगाना चाहें तो आपकी मर्जी है, वो उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अच्छे से इसे फिक्स कर दें ताकि ये निकले ना। और फिर रॉन्ग साइड से इसको वेव इन कर दें। आप इसे वेव इन कर दीजिएगा और ये अब कैप बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।